कंग्रेचुलेशन टू द टीम एक्चुअली, इन्होंने दो साल कंप्लीट कर लिया है. आई एम सो हैप्पी कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया और हम यहाँ पे इतनी हैपनिंग जगह पे आ रहे हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज़ कि कभी भी एक हिंदुस्तानी में कभी भी आप किसी भी क्लब में जाते हो, सो आई ऑलवेज मिस कि कोई बॉलीवुड कोई तो ठुमका या कोई तो वैसा कोई सॉन्ग होना चाहिए. सो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि ये बॉलीवुड भी यहाँ पे चलते हैं, तो इट्स सो अमेजिंग. सो आई एम वेरी हैप्पी. सर के लिए, सर ऊपर से नीचे तक पूरे खास हैं, आप देख सकते हैं और क्या ग्लो कर रहे हैं, फुल ब्लैक में एकदम, यू नो. कितना धमाल होने वाला है आज इनटू 8 इयर्स की एनिवर्सरी, हम लोग ऑलवेज धमाल यहाँ पे करते हैं. सो आज कुछ एक्स्ट्रा धमाल करने वाले हैं हम लोग. क्या करने वाले हैं? सब सेलेब्स सब डांस करने वाले हैं आज, फुल पार्टी होने वाली है. साथ में आप भी डांस करने वाले हैं, राइट? और कौन से सॉन्ग पे? अभी वो जो सलमान का आ गया मुन्ना बदनाम हो गया, बस अभी सलमान सर के गाने पे अभी हम लोग मुन्ना बदनाम करने वाले हैं आज पूरी रात. विच वन? सी फ्रेंकली स्पीकिंग आई टेल यू, आई लव मुन्नी बदनाम एंड शीला की जवानी. सो आई एम टिपिकली चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या है. सो आई एम लाइक वेरी फिल्मी. सो मेरे को रायता फ्लाव टाइप का जैसा एक सॉन्ग होता है वैसे सॉन्ग अच्छा लगता है. आई डोंट लाइक कि एकदम से बस आया और चला गया, वैसा नहीं. जो पुराने सॉन्ग होते थे लाइक माधुरी जी के और यू नो इनफैक्ट सलमान खान के भी आप सॉन्ग देखेंगे तो इट्स सो अमेजिंग, लाइक इतने रोमांटिक सॉन्ग होते थे. तो वैसे सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है और ऑलवेज क्लब में ऐसा सॉन्ग बजे तो कहते ना मज़ा, मतलब पूरा पैसा वसूल. सो गाइस, एक चुटकी सिंदूर की कीमत सो मेरे साथ इनको भी करना होगा. क्या रेडी? हाँ ऋषि, यू ऑल्सो कम ना प्लीज. सी ऋषि की सबसे अच्छी चीज़ है कि मेरे को इनके बाल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि काश ऐसे बाल मेरे भी हो जाए और मैं कुछ ऐसा करूँ कि ये बाल मेरे पास आ जाए. सो वी कैन एक्सचेंज आफ्टर दैट, राइट? सो हम लोग क्या करें, क्या करने वाले हैं? लेकिन गाने नहीं बज रहे, अंदर जाके पार्टी करते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू.